नमस्ते, स्वागत है आपका योगिस्तान ब्लॉग्स में। मैं देखिए एकदम रेडी हूँ। रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कल्पना को लेके जाना है उसके वैक्सीनेशन के लिए। उसकी वैक्सीनेशन हुई नहीं है। मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि वो लगा नहीं पाई, आई डोंट नो क्या रीज़न था, पर अब मैं उसको लेके जा रही हूँ। आज का और कल का ही स्लॉट अवेलेबल है और अप्पू आज घर से काम कर रहे हैं तो वो पीयू को देख लेंगे, इसलिए मैं आज कल्पना को ले जाके ये काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका वैक्सीनेटेड होना। क्योंकि अगर वो हमारे साथ बाहर जाती है, कहीं भी जाती है और इन्फेक्ट अगर हो जाती है तो आपको पता ही है, और मेरे अंदर तो कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है तो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क लेने वाली नहीं हूँ। मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चला है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो बस अब मैं निकलती हूँ उसको और ये काम ख़त्म करता है। तो ये है मेरा सिंपल सा आउटफिट, एक पैंट और एक टॉप। तो अभी हम बैठ गए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो बैठ गए हम लोग कार में। डर तो नहीं लग रहा? क्या हो गया? इसको वैक्सीनेशन लग रही है। अच्छा। ब्लॉग कर रही हूँ। डर तो नहीं लग रहा? ना। तो एक डोज लगेगा, इसके बाद फिर रुक के फिर दूसरा लगेगा, ठीक है? नहीं, डर नहीं रही है कल्पना। तो कल्पना का वैक्सीनेशन का काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं सब्जी खरीदने। सामने हमें दिख गया है। तुमको दर्द हुआ? नहीं हुआ दर्द। हाँ, आराम से हो गया। एक दवाई दे दी है, फीवर आएगा तो खा लेगी। अच्छा तो दिख रहा है ना? इधर तो फ्रूट्स लग रहे हैं, फ्रूट्स भी देख लेंगे थोड़े से। चलो सब्जियाँ ले लेते हैं पहले। ये तो कल्पना का ज़रूरी काम वैक्सीनेशन का हो गया है। पहली डोज अभी दे दी है, दूसरी डोज 1 महीने बाद होगी। और आते वक्त हम लोग उतर गए थे क्योंकि मुझे फार्मेसी दिख गई और मुझे अपना सप्लीमेंट्स वगैरह लेना था, वो ले लिया, और पीयू का भी कुछ सामान था। और फिर हमें दिखी हरी हरी सब्जियाँ, वो भी जाके हमने खरीद ली। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि पीयू उठी ही नहीं, वो सोती ही रही। मैं अच्छे से उसको फीड करा के पूरा सुला के गई थी तो वो पूरा काम भी हो गया और वो उठी भी नहीं। अप्पू घर पे ही काम कर रहे हैं तो फिर वो अंदर रूम में है तो अच्छा हुआ, क्योंकि उनकी बैक टू बैक कॉल्स थे और पीयू रोती तो फिर इनको प्रॉब्लम होती। तो पीयू इज़ अ गुड गर्ल और वो रोई नहीं है, मेरी प्यारी बेबी। ने जो प्रिस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सुपर मेड्स के मल्टी वाइटमिन्स लिए हैं। आप हमेशा जब भी कोई लें, जो भी मल्टीविटामिन आप लेते हैं उसमें आप ये वाला पोर्शन ज़रूर देखें कि इसमें कितना कितना mg सारे वाइटमिन्स हैं, जिसमें वाइटामिन ए, वाइटामिन B12 और B1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइटामिन ई। तो ये आप देख लें कि आगे इनका अमाउंट कितना है, कितना इसमें सर्विंग दिया हुआ है। दूसरा, मैंने ये कैल्शियम और वाइटामिन D3 की टैबलेट्स ली हैं जो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए दिए, तो अभी मैंने 1 महीने के लिए लिए, फिर इसके बाद मैं दोबारा ले लूँगी। पीहू नहा चुकी है और मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहती थी एक गिफ्ट जो पीहू के लिए आया है हमारे फैमिली मेम्बर से ही। थैंक यू राखी दी, अगर आप देख रहे हैं तो ये किताबें बच्चों के लिए होती है बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चों को क्या ही पढ़ाई लिखाई करनी है, पर छोटे बच्चों का जो शुरू का डेवलपमेंट होता है और उनके जो मोटर स्किल्स होते हैं वो इन किताबों को देखने से, छूने से और उनके आसपास रहने से इम्प्रूव होते हैं। तो दी ने मुझे 5 किताबें भेजी। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप शुरू से ही उनको बुक्स, उनको स्टोरीज सुनाने की, उनको बुक्स दिखाने की आदत डालें। तो पहली किताब है ये बात बुक, जिसको आपको पानी में अगर आप डिप करते हैं तो इसके कलर्स चेंज होते हैं, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उनका विजुअल जो डेवलपमेंट है वो होता है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है। तो ये किताब बच्चों को नहलाते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्लोथ बुक है जिसको आप धो भी सकते हो, तो ये आप बच्चे को दिखाओ। ये हाई कॉन्ट्रास्ट कलर हैं क्योंकि बच्चों को जो बेसिक नॉर्मल जो कलर्स हैं हमारी तरह नहीं दिखाई देते हैं, इस तरीके के हाई कॉन्ट्रास्ट कलर उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और उसको आप ये किताब दिखा सकते हैं। ये वाली बुक है ये भी ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि बच्चे जो है ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है ऐसे हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स देखने में, तो ये बुक भी आप उसको सोते वक्त दिखा सकते हैं। फिर एक ये वाली बुक है जिसको आप ये देखिए, इसमें राइम्स हैं, पिक्चर्स हैं जो बच्चे देख सकते हैं, जिनको आप सुना सकते हैं सोते वक्त। आई थिंक ये उसके लिए परफेक्ट है। ये बुक तो आज मैंने यूज़ करी है, इसको कहते हैं टमी टाइम बुक। अब आप देखोगे इसको खोलेंगे तो इसमें पूरा एक इस तरीके से सेटअप है,
और आप इसमें देखेंगे सेम वही हाई कॉन्ट्रास्ट पिक्चर्स हैं, टच एंड फील है, बच्चा इसको टच कर सकता है। और आज मैंने जब पीहू को नहलाया तो वाकई में वो उसकी तरफ देख रही थी। मैं एक वीडियो क्लिप डालती हूँ जिसे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें इस तरीके के तीन सेटअप हैं, तीनों ही हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स के हैं, आप ये देख सकते हो इस तरीके से, तो बहुत ही क्यूट है। कैसा लग रहा है पीहू? आपने शाइनी वेल देखी? शाइनी वेल, और इधर एलिफेंट है। तो अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपके काम की हैं, आपके बेबी के यूज़ में आ सकती हैं, तो ज़रूर इनको ऑर्डर कीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी। आज मेरे को थोड़ा सा घर में कल्पना के साथ मिलकर के सफाई का काम करना है, क्योंकि इस शनिवार को फाइनली हमारा सामान आ रहा है। शांति मिल रही है ना, क्योंकि कुछ सामान नहीं होता है तो फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है, और आप बार बार सामान तो नहीं खरीद सकते हैं, पैसे भी जाते हैं और जगह भी घर में नहीं है। तो बस अभी वो जब शनिवार को सामान आएगा तो पूरा शनिवार जो है सामान को और उसको लगाने में लग जाएगा। मुझे लगता है ये जो महीना है वो इसी में ही रहेगा, धीरे धीरे करके एक एक कार्टून खोलेंगे और सामान को लगाते चले जाएंगे। तो ये काम है। दूसरा, शनिवार को ही हमारी गाड़ी भी आ रही है, तो या तो उसको संडे को लेने जाएंगे या शनिवार को ही ले आएंगे, देखते हैं। क्योंकि गाड़ी का हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन करता है लॉन्ग ड्राइव पर कहीं जाने का। अभी तक मुंबई में कुछ भी नहीं देखा है, तो जब कार आएगी तो उसके बाद ही कुछ होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सामान और ये कार वाला काम जो इतना अटका हुआ था वो दोनों चीज़ें अब हो गई हैं। हाय, हेलो कर दो। कल्पना किचन में लंच की तैयारी कर रही है, मैं और पीहू यहाँ पर आ गए हैं। पीहू अगर रोती है तो उसको बीच में मैं देख भी सकती हूँ। साथ में इस टेबल पे मैंने अपना सेटअप कर लिया है, मैकबुक यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के रख दिया, और आराम से अब मैं बैठ के यहाँ पे काम कर लूँगी। तो बेसिकली मैंने अब कोशिश की है कि मैं अपने वर्किंग आवर्स जो हैं सेट कर लूँ, और उस दौरान मैं अपना काम निपटाऊँ। और अगर पीहू बीच में फीड कराना होता है तो वो थोड़ी देर के लिए आप करा सकते हो, और वैसे वो ज़्यादातर ऐसे आराम से खेलते रहती है। तो मुझे कुछ ईमेल्स वगैरह भी करने थे, कुछ कमेंट का काम था, एडिटिंग का काम था, और साथ में मैं एक प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रही हूँ, तो उसका भी मुझे काम करना है। और अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं काम में लगती हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ये है मेरा सेटअप, इस तरीके से आप देख सकते हैं, टेबल लगा हुआ है आराम से। और ये है व्यू, जाली की वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हवा अच्छे से चलते रहती है। और पीहू इधर बैठी हुई है। हे आले, तो चलिए मैं काम शुरू करती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अच्छा देखो, मैं इसकी बातें सुनवाती हूँ आपको। अच्छा फिर, अच्छा इसके बाद क्या हुआ बेबी? ओ हो 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 हो, तब बात। अच्छा जैसे ही मैंने इसको इसमें रखा, रोना शुरू। चलो आ जाओ, आ जाओ। आपको क्या चाहिए? अच्छा, आप दोनों को कुछ कुछ चाहिए, वो उधर रो रही है और इनको भी कुछ चाहिए। ये कौन है? पापा। इसमें देखो, आप अपना फेस देखो, बेबी। ये तो पीहू है, इसमें मिरर दिया हुआ है जिसमें पीहू अपना फेस ही देख रही है। तो बस मैंने अभी अपना एक शूट खत्म किया है इंस्टाग्राम के लिए, और अब मैं जाके एक बार देख लेती हूँ पीहू क्या कर रही है।
मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद अपना शूट शुरू करके, इसके लिए रेडी होते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर एडिट करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। पर अब बीहू 3 महीने की हो गई है तो मैं सोची हूँ कि काम थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दूं, तो मुझे अच्छा लगा आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाई, पीहू को मैंने फीड करा दिया एंड बस अच्छा लग रहा है मेरे को थोड़ा अपना काम शुरू करके। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।